कुदरत का करिश्मा, कुदरत बहुत बलवान है। कहते हैं कि कुदरत जो चाहे वह कर सकती है। इसकी ताज़ा मिसाल देखने को मिली है फाजिलका के गांव डंगरखेड़ा में, जहां 8 से 10 दिन की नवजन्मी गाय की बछड़ी 50 से 100 ग्राम दूध दे रही है, जिसको लेकर लोगों में कुदरत का करिश्मा ही माना जा रहा है। गांव डंगरखेड़ा के रहने वाले दिलीप चंद के घर बीते दिन एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि जन्म वाले दिन से ही नवजन्मी बछड़ी के थनों में से दूध निकलना शुरू हो गया था। इस बारे जब पशुओं के वेटनरी डॉक्टर को पता लगा और बछड़ी के थनों में से दूध की धार निकाल कर देखा, तो उन्होंने कहा कि यह सब कुदरत का करिश्मा है, इसमें कोई डॉक्टरी दवाएं की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं। भाई सर, क्या नाम है आपका? देवान चंद जी। कौन से गांव है ये? गांव डंगरखेड़ा। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी गायें सुई थी और उसने बछड़ी दी है, हाँ जी। सुना है कि वो दूध भी देती है। हाँ जी, देती है, दूध भी देती है, दूध भी देती है जी। कैसे पता चला आपको? वो कुछ दिन निकाला नहीं, फिर अपने आप निकलने लगे। डॉक्टर साहब को बुलाए यहाँ पर, नव जो बीओ है उसको जब बुलाया, उसने निकाल कर देखा, दूध निकला था। वो कहने लगे बीमारी कोई नहीं है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, कुदरत की बात है ये। अच्छा, डॉक्टर क्या बोल रहे थे? ये जो है कुदरत का कुदरत है। की, कुदरत का है, और इसमें मेडिकल लाइन की कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी वो बछड़ी की जो है सेहत कैसे है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा खाती पीती है, बिल्कुल सही है। आप क्या मानते हो कि ये जो ऐसा करिश्मा है, क्या मानते हो आप? ये कुदरत का ही, अपने को तो इसके बारे में कोई और पता नहीं है। आप, ये हमने भी तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है, हाँ जी, तो आपने आपने अपने कभी पहले ऐसा कोई सोचा पहले जा कभी नहीं देखा कभी जी, का? पहली बार देखा है, 60 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं देखा ये। तो आप क्या मानते हो कि ये जो है बछड़ी जो दूध दे रही है, हाँ जी, तो आपके घर में एक जो कुदरत का करिश्मा है, आप क्या मानते हो? ये भगवान का ही है जी, जो कुछ अपना, तो इसमें कुछ नहीं है, भगवान की देन है कितने ये। दिन की बछड़ी है? ये 12/4/2019 को सुई थी जी। ठीक है, अभी डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि इसमें कोई डॉक्टरी की कोई ज़रूरत डॉक्टर नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं है इसमें, डॉक्टर चेक करके इसको, नवजोत संधू बीओ है यहाँ, वेटरनरी ऑफिसर वो कर देते हैं। हाँ जी, ये क्या बात नाम है कमाल आपका? है। मेरा नाम रामनिवास है जी, मैं अच्छा, इसी गांव डंगरखेड़ा का वासी हूँ। और ये गायें जो सुई है, इसको तकरीबन 8-10 दिन हो गए सुई को, और बछड़ा जो बछड़ी दी है इसने, ये मतलब 50 से 100 ml तक दूध राजू चुप देती है। करो, राजू ये 50 से 100 ml तक जो है सुबह शाम दूध देती है। और ये करिश्मा मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, और 2-3 बार मैं यहाँ आके देख के गया हूँ, दूध देती है 50 ml, कभी 100 ml, और इसके जो मालिक हैं वो निकालते भी हैं। तो क्या कहना चाहते हो आप? ये देखो, ये कुदरत का करिश्मा है, परमात्मा ने, पता नहीं खुद परमात्मा ही आए हैं या परमात्मा ने किसी के जरिए मतलब भेजा है, कुछ नहीं कह सकते, ये तो परमात्मा को ही पता है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर्स तो जो है इसके टेस्ट भी किए हैं, इसके ब्लड टेस्ट भी किए हैं, और वेटरनरी ऑफिसर्स और जो भी सीनियर वेटरनरी ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ आए हैं, 2-3 बार उन्होंने विजिट किया है। डिप्टी डायरेक्टर जो है हमारे यहाँ फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के, वो भी आए हैं, उन्होंने भी विजिट किया है, तो वो कहते हैं ये तो कुदरत का करिश्मा है जी, उन्होंने भी शायद ये नहीं देखा। मैंने, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा, तो ये आप जो जहाँ गाय सुई है उसने बछड़ी दी है और दूध दे रही है, आप क्या मानते हो उसका? सर ये कुदरत का करिश्मा है जी, मेरे को 5-6 साल हो गए काम करते को, मैंने पहली बार देखा ये। आप डॉक्टरी करते सहायक हो? सहायक है हाँ जी, डॉक्टर, सहायक अच्छा, है डॉक्टर के साथ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसमें कोई और कुछ तो नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी की वजह से हो, जहाँ कुछ भी हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी की वजह से नहीं है ना, कोई डॉक्टर लाइन की इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये सिर्फ कुदरत का ही हाँ कृष्ण कुदरत का करिश्मा।